मेरा नाम इंदु मिश्रा है, मैं मधुबनी पेंटिंग करती हूँ। पिछले 9 सालों से मैं मधुबनी पेंटिंग करती आ रही हूँ। इसके पहले मैं एक होम मेकर थी, अपने बच्चों को बड़ा किया, उसके बाद मैंने फिर अपने इस हॉबी को फिर से रिस्टार्ट किया। और सबसे पहला एग्जीबिशन मैंने बोकारो में लगाया, आरंभ करके सोलो एग्जीबिशन था, जिसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया। उसके बाद मैंने फिर रांची में लगाया एग्जीबिशन, रांची में JCA स्टेडियम में मैंने एग्जीबिशन लगाया, वहाँ जहाँ सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स थे, और वहाँ भी रिस्पॉन्स काफ़ी ज़बरदस्त आया। तो इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला और मैंने उसके बाद बॉम्बे में लगाया। बॉम्बे में भी रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया कि उसके बाद से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद से मैंने बहुत सारे ग्रुप शोज़ किए, आर्ट वर्कशॉप्स किए, फेयर्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है, और अभी मैं ललित कला में सोलो एग्जीबिशन लगाया है मैंने, जो 8 से 14 तक चलेंगी, जिसका इनॉग्रेशन बड़े बड़े मास्टर पेंटर्स ने किया। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे एग्जीबिशन में इतने बड़े बड़े कलाकार थे, शब्दों में जिसका बयां करना मुश्किल है। आशा है कि आप सभी को भी मेरे एग्जीबिशन काफ़ी पसंद आएगा, काफ़ी लोग आ रहे हैं, और मैं और भी लोगों को बुलाना चाहूँगी जो आकर के एक जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी मधुबनी पेंटिंग को देखेंगे। पहले मैं बहुत सारी तरह की पेंटिंग्स करती थी, एब्स्ट्रैक्ट भी करती थी, पोर्ट्रेट भी, लैंडस्केप भी, बट मुझे फील हुआ कि मधुबनी पेंटिंग मेरी अपनी खुद की बिहार की पेंटिंग है, जिसको मैं आगे लेके जा सकती हूँ, जो एक धरोहर है, और उस धरोहर को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अभी तक 35 से ज़्यादा सोलो और ग्रुप शोज़ किए हैं, जिसमें भारत के बड़े बड़े शहरों के अलावा लंदन, सियोल, मलेशिया और सिंगापुर में भी मेरी पेंटिंग्स के एग्जीबिशन हुए।